आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। धारा 144 लगने के बावजूद भी समीक्षा कक्ष में केवल उम्मीदवार, प्रस्तावक और सहयोगी तीन लोग ही अंदर आ सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद भी तहसील कार्यालय मझोली में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। आपको बता दें कि जनपद पंचायत प्रत्याशियों के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष आवेदन दिया गया था, जिसमें स्क्रूटनी और जांच आज 7 तारीख को होनी थी। इसमें विद्या, दिनेश चौरसिया, दर्शनीय, रीता लाल, सोनेलाल पटेल के द्वारा आवेदन दिया गया था और वार्ड क्रमांक 6 जनपद सदस्य के लिए, जिसमें दोनों आवेदकों के द्वारा कागजी कार्रवाई पूरी की गई है। उसी के साथ ही अधिकारियों के द्वारा उनको प्रतिलिपि दी गई है कि आपकी कागजी कार्रवाई पूरी है और जब फॉर्म की जांच की जाती है तो उसमें फॉर्म 4 रहता है और फॉर्म 6 जिसमें एक फॉर्म में एनओसी की ओरिजिनल कॉपी लगी होती है, दूसरी कॉपी फोटो कॉपी होती है और इसमें रीता सोनेलाल पटेल के फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हुई जिसके कारण तहसीलदार प्रदीप मिश्रा के द्वारा फॉर्म कंप्लीट कराने के आदेश जारी किए गए। लेकिन जब प्रत्याशी को बुलाया गया तो रीता सोनेलाल पटेल के द्वारा फिर से फॉर्म की जांच की गई और उसमें एनओसी पाई गई। इस कारण रिटर्निंग अधिकारी ने जांच की और जितने भी कागजी कार्रवाई की जरूरत थी वो कागज पूरे पाए गए। अधिकारी ने सीता सोनाल पटेल का फॉर्म क्लियर कर उनको प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन दूसरे प्रत्याशी के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर पर पैसे जमा कर फॉर्म लेने के आरोप लगाए जो कि गलत पाए गए। जनपद पंचायत मझोली के क्षेत्र क्रमांक 6 से मेरी पत्नी श्रीमती विद्या चौरसिया प्रत्याशी थी। कल दिनांक 6/6 को नामांकन की अंतिम तिथि थी और आज सुबह 10:30 बजे तहसीलदार कार्यालय में उस पर स्क्रूटनी थी। सही समय पर हम लोग 10:30 बजे स्क्रूटनी में पहुंच गए और 6:25 क्षेत्र की स्क्रूटनी समाप्त होने के बाद 1:30 बजे यहाँ से रवाना हो गए। उस समय तक क्षेत्र क्रमांक 6 से 3 नामांकन थे, विद्या चौरसिया, सुमनबाई चौधरी और रीता सोनेलाल पटेल। सुमनबाई चौधरी को बुला के उसका नामांकन की त्रुटियों से निरस्त कर दिया। रीता सोनेलाल पटेल के नामांकन में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं थे, जनपद पंचायत की एनओसी नहीं थी और धारा 31 का कहती है पंचायत अधिनियम की यदि अदेय प्रमाण पत्र नहीं है तो वो आवेदन स्वयं निरस्त हो जाएगा, वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर कर देगा। उस समय के पश्चात रिटर्निंग ऑफिसर ने अभ्यर्थी के हस्ताक्षर बस का पॉइंट लिखा और उसको निरस्त कर दिया, तो दूसरे पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ी, ये अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ही नहीं है। 4 बजे के आसपास 4 घंटे बाद पता चला कि कुछ असामाजिक तत्व जो कम से कम 10 लाख रुपए लेके और उनको बोले ये नहीं लोगे तुम बाहर आओगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे, इस बात को लेके उन्होंने बयानबाजी की तो उन्होंने आकर अपने सदमे में और उस फार्म को सेलेक्ट कर दिया और पद कर दिया। जब हमें पता चला, हम पुनः आए कि दल की वीडियो रिकॉर्डिंग में भी वो अधेय प्रमाण पत्र नहीं है और जैसा कि पंचायत अधिनियम 1995 की धारा 31 का कहती है कि यदि ऐसा कुछ अधेय प्रमाण पत्र नहीं है प्रत्याशी का तो उसका नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर निरस्त कर देगा स्क्रूटनी के समय। स्क्रूटनी समाप्त हो गई, उसके बाद 4:15 बजे रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको गुप्त रूप से बुला के, तो हमारे कुछ मित्र वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा भैया आ जाओ। रिटर्निंग ऑफिसर उनका कागज ले रहा और उस कागज के कारण पात्र कर रहा, आज हमने आकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। चल रही थी जी, उसमें किस कारण से आपका फोन रिजेक्ट हुआ है? मेरा नाम राहुल पटेल है जी, मेरी माता जी पाठ क्रमांक 6 से जी लड़ रही रीता सोनेलाल पटेल। तो कल मैंने पूरे फार्म जमा किए, जब तक कि पूरी एनओसी जमा की और मेरे को जो पावती मिली है उनकी पावती पूरी कन्फर्म होगी, तो फिर अभी मेरे से बोला जा रहा है कि आपकी जनपद पंचायत की जनपद पंचायत की एनओसी नहीं लगी है और जबकि मैंने उसमें लगाया था एनओसी। उसके बाद अभी इनके द्वारा आपकी दर्ज की गई है, क्या कारण? फिर तहसीलदार ने आने साहब ने उनने बोला कि आपके पास समय अभी ला के दे दीजिए आप एनओसी, तो मैंने ला के लगा दिया, तो उनने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो अदर पक्ष हैं तो वो उनका कहना चाहिए कि समय हो गया तो क्यों ले लिया आपने एनओसी।